हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों, चलो जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, और किसकी? अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका की या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की आपको संकुलन क्षमता निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांस हैं। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है। तो बेटे, वैसे तो आपने पढ़ ही रखा है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं जिस यूनिट सेल के हर एक कोने में तो पार्टिकल होता ही है, यानी कि हर एक कॉर्नर पे तो पार्टिकल होगा। यहाँ भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये जितने भी कोने हैं हर एक कोने में एक पार्टिकल होगा। पर हर एक कोने में पार्टिकल होने के साथ साथ एक पार्टिकल होगा बेटे इस यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में। ये इसकी बॉडी का सेंटर है, यहाँ भी एक पार्टिकल होगा। तो ऐसे यूनिट सेल को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यदि आपको इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखियो, सब बच्चे कभी मिस हो जाए और आप ना समझ पाए, किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी मिस फील्डिंग नहीं करनी है। तो ध्यान से देखो बेटे, यदि मैं एक विकर्ण खींच रहा, ध्यान से देखियो आप, यूं बताओ बेटे, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, इस भुजा को देखो, ये बना दिया मैंने इधर नीचे, बना रहा मैं इस भुजा को, मैंने यहां बना दिया, ठीक है, एक साइड बना दी। और बेटे ये क्या है, ए यूनिट सेल की एक साइड है ए। अब मुझे यूं बताओ कि इस वाले विकर्ण को देख रहे, इसके फर्श का विकर्ण है, किसका विकर्ण है, फर्श का। ये वाला तो गोला हमारी तरफ है, ये गोला परली तरफ है, पिछली तरफ। इस वाले विकर्ण को मैं यहाँ खींच रहा है, ये खींच दिया मैंने विकर्ण। यूं बताओ बेटे, जब ये तो ए हो गया, और ये विकर्ण, ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा भी कितनी है ए, और ये वाली भुजा भी कितनी है ए। यहां मैंने लिख दिया ए और यहां भी लिख दिया ए, और ये एंगल आपको पता कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ए और ए, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटे, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा a√2। तो मैं इस पे लिख रहा बेटे a√2, ये a√2 है। अब मुझे यूं बताओ बेटे कि यदि मैं इस तरह का एक विकर्ण खींच दूं, इस विकर्ण को देखो ध्यान से, विकर्ण खींच दिया मैंने, ये तो बड़ा अजीब विकर्ण है। ये विकर्ण पता कैसा है, ये विकर्ण है कि ये वाला जो कोना है ये तो हमारी तरफ है, और जो वो वाला कोना है वो परले वाले, यानी कि जो अब बैक साइड में जो फेस है उसके उसकी तरफ है। तो ये विकर्ण जो है किसी एक फेस का नहीं है, ये वाला विकर्ण किसी एक फेस या फलक का नहीं है। इसका ये वाला पॉइंट तो हमारी तरफ वाले फेस पे है, यानी कि इस वाले फेस पे, और वो वाला पॉइंट है पिछले वाले फेस पे, यानी कि इस वाले फलक पर। तो इस विकर्ण को यदि मैं आपको पूछ लूं कि तुम हिम्मत है तो इस विकर्ण को बता दो बेटे कितना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ये एंगल 90 डिग्री का है। भले ही किसी को लग रहा हो कि यार ये तो 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं, 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि यह एंगल देखो यहाँ ऊपर से भुजा आ रही है और ये विकर्ण है, तो इसके बीच का एंगल तो ये 90 डिग्री का ही होगा ये वाला। तो यदि ये ए है और ये a√2 है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पक्की बात है ये हो जाएगा a√3। कितना हो जाएगा ये बेटे, a√3 हो जाएगा। ध्यान से देख रहे, अब a√3 में आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें एक तो यहां रखा हुआ पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ है और एक पार्टिकल यहां। इस a√3 पे कितने पार्टिकल रखे हुए हैं, चार। और यदि, सॉरी गलत बोल गया, कितने पार्टिकल है बेटे, तीन, एक दो तीन, तीन पार्टिकल हैं। तो तीन पार्टिकल कैसे रखे जाएंगे, ये तो इसका सेंटर बना दिया, दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इसके आधे को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया, इसके आधे को भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक पार्टिकल तो ये रखा हुआ बेटे हमारा, ये रखा हुआ है एक पार्टिकल इस तरह, ये जो पार्टिकल यहां बना रखा वो यहां रखा हुआ है इस तरह। और जो पार्टिकल आपने यहां बना रखा वो पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ये रखा आपका दूसरा पार्टिकल, और जो पार्टिकल आपने यहाँ बना रखा वो रखा हुआ बेटे आपका तीसरा पार्टिकल। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, सोच के जरा बड़े ध्यान से, यूँ बताओ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है,
आप आर ही तो कहोगे, आर क्या है ये आर, और इसे क्या कहोगे, ये भी बिट्टे आर है, और इसे क्या कहोगे, ये भी क्या है आर, और इसकी त्रिज्या भी क्या है आर, तो यूं बताइयो कितने आर हुए, ये बिट्टे कितने आर हुए, चार, एक आर ये है, दूसरा आर, तीसरा आर और चौथा आर, कितने आर हुए, चार हुए। तो हम लिख सकते हैं कि जो चार आर हैं वे किसके बराबर हैं, कितना निकाल रहा था पाइथागोरस प्रमेय से, ए रूट थ्री, 4R इज इक्वल टू ए रूट थ्री, जहां आर तो गोले की त्रिज्या है और ए क्या है यूनिट सेल की एक भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई या एक साइड। तो बेटे आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रूट थ्री अपॉन 4। लो आ गया हमारे हाथ में एक काम का पॉइंट, ये आर और ए के बीच संबंध आ गया, आर इज इक्वल टू ए रूट थ्री अपॉन 4। इसे सुरक्षित कर लो और इसमें रट्टा मार लो, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे संकुलन अक्षमता की, हमें निकालनी है संकुलन क्षमता। संकुलन अक्षमता कह दो या पैकिंग एफिशिएंसी कह दो, यदि आपको निकालनी है तो आप ऊपर तो लिखोगे कणों का आयतन, ये लिख रहे हैं हम कणों का आयतन, और अपॉन में क्या लिखोगे बेटे, यूनिट सेल का आयतन, ऐसे ही तो निकलती है संकुलन क्षमता। अब यहाँ एक सवाल तो यही खड़ा हो गया जी, कितने कणों का आयतन, ये तो बता दो। तो आप यदि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटे कितने पार्टिकल होते हैं, दो, सिर्फ दो पार्टिकल होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है। तो आप यहाँ कितने कणों का आयतन, दो कणों का आयतन, यहाँ अच्छा सा दो लिख दियो, दो कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। तो बेटे दो कणों का आयतन, दो गुणा, कण क्या है सारे गोले हैं, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल अपने आप में क्यूब है, एक घन है, और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 या a क्यूब, a एक भुजा की लंबाई तो है। तो ये हो गया बेटे 2 × 4/3, पाई का मान क्या रखूं, 22/7, गुणा आर का मान क्या रखूं, अरे ये तो रहा यार, आर का मान है ए रूट थ्री अपॉन 4, ये लिख दिया बेटे ए रूट थ्री अपॉन 4, और इसकी घात कितनी लिखनी है, 3, क्योंकि आर का क्यूब हो रहा है अपॉन नीचे ए क्यूब, ये लिख दिया, इसका बेचारे का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, ये 2 जू का तू है, 4/3 भी बेटे जू का तू है, और 22/7 भी यूं कह रहा कि हिम्मत है तो मेरा भी काट लो कुछ, ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब गुणा √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3 अपॉन 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, मैं तो ऐसे लिख रहा है इसे, अपॉन ए क्यूब। अब बताओ कौन किससे मरेगा, अब बेटे ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, हटा सावन की घटा, फूंक मार के मोमबत्ती बुझा, निंटू गले मिंटू गले, मंटी पे खड़े रही अंटी बजा रही है बार बार घंटी। अब देखो 4 से 4 साफ हो गया, ठीक है, और 3 से 3 साफ हो गया, अब क्या बचा बेटे, अब बचा हमारे पास देखो, और तो नहीं कुछ कट रहा बेटे, 2 × 2 = 4, और 2 से कट गया कितनी बार, 11 बार। अब बताओ ऊपर क्या बचा, 2 साफ 4 साफ 22 साफ, 1 साफ, क्या बचा बेटे, √3 और 11, √3 बचा, और नीचे क्या बचा बेटे, 7 और 4। तो यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, ऊपर तो बचा हमारे पास 11 और √3, ऊपर तो बचा 11 √3 और अपॉन, नीचे बेटे क्या बचा, नीचे बचा हमारे पास 7 और 4 = 28, 7 × 4 = 28। तो आप क्या करोगे, 11 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, और कितने से भाग कर दोगे, 28। तो जब 11 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो बेटे ये हो जाएगा 11 × 2 = 22 का 2 हासिल को 2, और 11 * 3 = 35, और 2 = 35 का 5 हासिल को 3, और 11 * 7 = 77, और 3 * 80 का 0 हासिल को 8, और 11 * 1 = 11, और 8 = 19, और दशमलव कहाँ लगेगा, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ लगेगा बेटे दशमलव, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 28।
तो ये क्या हुआ, ये हुआ 19.0, यानी 19 को भाग देनी हमें कितने से, 28 से। और जब आप 19 को 28 से भाग दोगे तो 19 को 28 से भाग देने पर आएगा, आप भाग दे के देख लेना, 0.68 कितना आएगा, 0.68। तो ये हमारे पास जो 0.68 आया, ये आया बेटे पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन अक्षमता, ये लिख दिया मैंने, पैकिंग एफिशिएंसी आई हमारे पास 0.68। एक तो आंसर ये है, और यदि वो परसेंटेज पूछ रहा होगी परसेंटेज बताओ, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल दो अंक आगे चला जाएगा, वे आ जाएगा 68%। जब भी आपको पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक आंसर ये आ गया बेटे आपका। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपका बेसब्री से पेपर में इंतजार कर रहा है कि आओ और तुरंत मुझे पाओ, ठीक है? तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को पक्का करके जाएंगे और ध्यान से समझ के जाएंगे, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ओके बाय।